स्टूडेंट्स, इस वीडियो में एक्सरसाइज 5 पॉइंट के क्वेश्चन नंबर 8 से हम बताएंगे। सेम वही प्रोसेस लग रहा है सभी क्वेश्चनों में। सबसे पहले लेट करते थे हम y इज इक्वल टू पूरे फंक्शन को साइन x होल ऑफ की पावर x प्लस साइन इनवर्स रूट x। अब इसको अलग अलग पार्टों में uv करके ब्रेक कर लेते हैं। u प्लस v, इनका डिफ्रेंशिएट जब करेंगे हम तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx। आप क्या करेंगे, u इज इक्वल टू क्या है, साइन x की पावर x है, टेकिंग log बोथ साइड, टेकिंग log बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा, ये log u इज इक्वल टू x इंटू में आ जाएगा x log x आएगा। इसका डिफरेंशिएट क्या होगा, 1 अपॉन u du अपॉन dx फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन x log x, जब हमने log लिया तो x इंटू में आया और log के साथ ये sin x रहेगा। तो फर्स्ट फंक्शन x था, सेकेंड फंक्शन का 1 अपॉन साइन x, और साइन x का क्या हो जाएगा, cos x प्लस, इसको एज इट इज लिख लेंगे, log साइन x को इंटू x जो था उसका 1 हो जाएगा। हमें चाहिए किसकी वैल्यू, du अपॉन dx इज इक्वल टू u के साथ, u के साथ ये आएगा तो ये हमारा हो जाएगा cos अपॉन sin cot हो जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं हम x cot x, और ये हो जाएगा प्लस का log sin x, वैल्यू पुट करेंगे u की तो आ जाएगा du अपॉन dx इज इक्वल टू, u की वैल्यू क्या है, sin x होल ऑफ की पावर x, और ये हमारा हो जाएगा x cot x प्लस log sin x। इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे इसको। अब हम सेकेंड पार्ट जो हमारा था v इज इक्वल टू sin इनवर्स रूट x। अब देखिए इसमें हमें log नहीं लेना पड़ेगा क्योंकि सिंपल है, sin इनवर्स x का डिफरेंशिएट आपको पता है क्या होता है, dv अपॉन dx इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर मीन्स रूट x का होल ऑफ स्क्वायर इंटू रूट x का 1 अपॉन 2 रूट x। रूट x का हमने बताया था डिफरेंशिएट क्या होता है, तो dv अपॉन dx इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट के साथ 1 माइनस x, और ये 2 आगे ले लो इसे, फिर रूट x रहेगा और x का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं हम रूट के अंदर, तो 2 रूट आ जाएगा ये x माइनस x स्क्वायर। अब ये सेकेंड इक्वेशन की वैल्यू, थर्ड एंड सेकेंड दोनों की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ये तो था क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू x, यानी फंक्शन ऐसे गिवन है x की पावर sin x प्लस के साथ sin x होल ऑफ की पावर क्या है, cos x। इसे आप सॉल्व कर लेंगे जैसे हमने क्वेश्चन पीछे के सॉल्व किए हैं, उसी तरीके सेम क्या करेंगे, log ले लेंगे। सबसे पहले log लेने पे क्या हो जाएगा, वायलेट करेंगे इसे, u भी मान लेंगे इसे, इसे y इज इक्वल टू यू प्लस भी लेंगे, u इज इक्वल टू हमारा ये फंक्शन हो जाएगा x की पावर sin x हो जाएगा, और b हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, sin x होल ऑफ की पावर क्या हो जाएगा, cos x। अब इसे log लेने पे क्या हो जाएगा, sin आगे आ जाएगा log sin x, दोनों का डिफरेंशिएट करके ये हो जाएगा dy अपॉन
डी एक्स इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी बी अपॉन डी एक्स। यहाँ से वैल्यू निकाल के इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम इसी तरीके सब सारे क्वेश्चन आगे के सॉल्व होंगे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है एक्स की पावर एक्स कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। सेम वैसे ही क्वेश्चन ये भी सॉल्व होगा, इसे लेट करेंगे y इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ये y इज इक्वल टू वी प्लस यू, डिफ्रेंशिएट करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी बी अपॉन डी एक्स प्लस डी यू अपॉन यू, इसको मानो बी इसको मानो वैसे जैसे प्रोसेस चल रहा था, तो ये हमारा डी यू अपॉन डी एक्स डी बी अपॉन डी एक्स। अब क्या हो जाएगा यहाँ से, यू इज इक्वल टू यू क्या है हमारा एक्स की पावर एक्स कॉस एक्स। जब हम लॉग लेंगे तो ये आ जाएगा लॉग यू इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स एक्स कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स। आप क्या देखेंगे यहाँ से, यहाँ पे दो फंक्शन दिख रहे हैं, तीन दिख रहे हैं, एक्स अल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक एंड लॉगरिथमिक। तो हम इसको कैसे करेंगे, इसको भी वैसे करेंगे, इन दोनों को फर्स्ट मान लेंगे और इसको सेकंड फंक्शन मान लेंगे, इसको फर्स्ट मान लेंगे इसको सेकंड मान लेंगे, जैसे पीछे का डिफ्रेंशिएट करते आ रहे हैं वैसे इसका भी कर देंगे। देखते हैं कैसे करेंगे हम, इसे लिखेंगे वन अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट का नहीं करते हैं एक्स कॉस एक्स का, इंटू लॉग एक्स का कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएट वन अपॉन एक्स हो जाएगा। अब लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, इस वाले पार्ट का करेंगे, जब इस वाले पार्ट का जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसमें भी प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से कॉस एक्स का नहीं करते हैं एक्स का करते हैं तो वन आ जाएगा, फिर एक्स का डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे और सेकेंड का करेंगे तो वो आ जाएगा माइनस का साइन एक्स। यहाँ से ये क्या आ जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल, ये हमारा हो जाएगा कॉस एक्स प्लस लॉग एक्स, ब्रैकेट में क्या रहेगा कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स। अब इस लॉग एक्स को क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, लॉग दोनों के साथ चला जाएगा एक्स लॉग एक्स, यानी ये आएगा हमारा वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं हम, डी यू अपॉन डी एक्स, डी यू अपॉन डी एक्स हमारा आएगा यू के साथ, यू के साथ रहेगा कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स के बाद क्या आ जाएगा, लॉग का मल्टीप्लाई करेंगे तो लॉग एक्स, लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस का एक्स आगे कर लेते हैं एक्स लॉग एक्स, एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स लॉग एक्स इंटू साइन एक्स। आप क्या करेंगे, यू की वैल्यू पुट कर देंगे, यू हमारा क्या आया था, यू हमारा था एक्स की पावर एक्स कॉस एक्स कॉस एक्स प्लस लॉग एक्स कॉस एक्स माइनस एक्स लॉग एक्स साइन एक्स। अब ये तो फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे, सेकंड का डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसे क्या मानेंगे हम, यू वी, वी इज इक्वल टू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। लॉग लेंगे तो ये लॉग बी इज इक्वल टू आ जाएगा, ब्रेक हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक ब्रैकेट में लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये चीज़ हमने बताई थी, जो यू बाई बी के फॉर्म में होगा, अंश व हर में होगा, तो लॉग उसको माइनस के साथ ब्रेक कर देंगे उसको, लॉग बी क्या आ जाएगा, इसे आपको पता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस
वन हो जाएगा, माइनस इसका क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस वन, लेकिन इसको जिसे टी मानते हैं उसका भी डिफ्रेंशिएट तो होता है, तो इसे भी 2x इंटू में लिखेंगे और इसमें भी 2x इंटू में लिखेंगे। अब हम देखेंगे कि इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है, इसका भी डिफ्रेंशिएट तो साथ में होगा 1 अपॉन बी डी बी अपॉन डी एक्स के साथ में, तो डी बी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू आएगा, तो b के साथ में ये वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर, ये माइनस था पार्ट, तो इसके साथ हम 2x क्या करेंगे, दोनों पार्टों में है तो हम 2x को कॉमन भी ले सकते हैं, तो 2x हमारा बाहर आ जाएगा, तो ये ऊपर हो जाएगा एक्स स्क्वायर के साथ प्लस वन और माइनस के साथ एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब v की वैल्यू पुट कर देंगे तो डी बी अपॉन डी एक्स, v की वैल्यू क्या थी यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, और ये हमारा पार्ट था 2x, और ये ब्रैकेट में था एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस के साथ एक्स स्क्वायर प्लस से, ये भी माइनस हो जाएगा। अब देख क्या कटेगा, कैंसिल होगा एक्स स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और वन वन से मल्टीप्लाई होगा, तो यानी ये आ जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, और ब्रैकेट में ये माइनस माइनस वन माइनस टू हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस फोर एक्स अपॉन, अब ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा एक्स की पावर फोर माइनस वन। ये हमारा किसका मान आया, इसे थर्ड मान लेते इक्वेशन। अब इस सेकेंड और थर्ड की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 है, सेम ऐसे ही जैसे हमने सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 11 है x cos x होल ऑफ की पावर x प्लस ब्रैकेट में है x sin x होल ऑफ की पावर 1 बाय x। जैसे हमने पीछे के क्वेश्चन बताए हैं, सबसे पहले लेट करेंगे इसको y इज इक्वल टू, तो ये हमारा हो जाएगा x cos x होल ऑफ की पावर x x sin x होल ऑफ की पावर 1 अपॉन x। अब हम इसको अलग अलग ब्रेक कर लेंगे, u और b के फॉर्म में मान लेंगे, u प्लस b फंक्शन, इसका डिफरेंशिएट जब होगा तो dy अपॉन dx आ जाएगा, और ये होगा हमारा du अपॉन dx, और ये db अपॉन dx है। हमें अलग अलग डिफरेंशिएट करना है, तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x cos x होल ऑफ की पावर x। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग log लेंगे, तो हमारा ये क्या आ जाएगा log u आ जाएगा, log लेने पे x आगे आ जाएगा और log के साथ क्या हो जाएगा x इंटू cos x। अब log क्या करेगा, इन दोनों को ब्रेक कर देगा जो इंटू के फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा log x प्लस log के साथ cos x। इसका आप डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेना, इसको सेकंड मान लेना, यहाँ से जो वैल्यू आएगी डी यू अपॉन डी एक्स की, वो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना होगा और सेकंड में सेम ऐसे ही करना होगा। इसको वी इज इक्वल टू मानना होगा एक्स साइन एक्स होल ऑफ की पावर वन अपॉन एक्स, ये डी वी अपॉन डी एक्स जब निकालेंगे मीन्स पहले लॉग लेते हैं तो लॉग भी इज इक्वल टू आ जाएगा, तो ये पावर इंटू में आ जाएगी वन अपॉन एक्स, इसे भी लॉग क्या करेगा एक्स साइन एक्स, एक्स साइन एक्स ब्रेक। जब हमने बताया था कि लॉग की प्रॉपर्टी ए इंटू बी होती है, तो लॉग क्या करता है लॉग ए प्लस लॉग वी के फॉर्म में हम लिख लेते हैं, तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा वन अपॉन एक्स के साथ में ये आ जाएगा log x प्लस log sin x।
इससे भी आप क्या निकालेंगे, जैसे हमने बताया इससे आप डी यू अपॉन डी एक्स निकालेंगे, इससे डी बी अपॉन डी एक्स निकालेंगे, और इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लेंगे, और इनको डिफ्रेंशिएट करने के बाद सेकंड, और इसको थर्ड मानने के बाद वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे हमने पीछे के क्वेश्चन सारे सॉल्व किए हैं, सेम उसी कॉन्सेप्ट पे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। आगे क्वेश्चन हम इससे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।